तो अभी मैं और मुक्ता बैठे हुए हैं घर पे और बहुत ही तेज़ हवाएं, बहुत ही तेज़ बारिश चल रही है। और जब बहुत तेज़ हवाओं और बहुत तेज़ बारिश का मिक्सचर हो जाता है तो मौसम अलग ही बन जाता है ना। और हमेशा अभी जैसे बिजली भी बीच में कड़क रही थी ना, तो मुक्ता को मैं पता नहीं आवाज़ क्लियर आ रही है नहीं आ रही, फिर मैं ज़ोर से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं मुक्ता को बोल रहा था कि सच में हमें चीज़ों को फील करना चाहिए कि कितना कुछ बड़ा चमत्कार हमारे आसपास घटता है, कैसे बारिश की बूंदें गिर जाती हैं, कैसे एकदम से रोशनी होती है जब बिजली कड़कती है ना, तेज़ हवाएं चलती हैं, कैसे परिवर्तन आ जाता है, कैसे धूप आ जाती है। बट हमारी चेतना, इंसान की चेतना इतनी मूर्छित है, इतनी सोई हुई है ना कि वो कभी इन चमत्कारों को फील ही नहीं करता है ना। जैसे ही बोल रहा हूँ ना, पिछले मम्मी खड़ी देख रही है तो यहाँ सच में बहुत बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी मेरे को लग रही है। ये देखो हम बाहर ही बैठे हुए हैं, इधर देखिए इधर है ना, फीलिंग वेरी 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 हैप्पी। और मैं भी मुक्ता कह रहा था कि मैंने वो टाइम भी देखा है जब ऋषिकेश में है ना बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और ऊपर छत भी नहीं होती थी, बाहर ऐसे खाली पेट बैठे होते थे, ऊपर से तेज़ हवाएं चल रही हैं ना। तो फेज़ है दोस्तों ज़िंदगी में है ना, सब बीत जाता है, सब गुजर जाता है। बस एक चीज़ माइंड रखो कि जहाँ भी हो दोस्तों, वर्तमान में किसी व्यवस्था में हो, किसी भी कंडीशन में हो, वर्तमान को इन्जॉय करो, प्रेजेंट को फील करो है ना। मुझे पता है शायद इस वीडियो में उतनी अच्छी आवाज़ नहीं आई होगी, बट ठीक है, जो भी आवाज़ आ रही है आप लोग फील करिए ना आवाज़ों को।